दोस्तों फर्जी लोन एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत दिनों से बात नहीं किया, तो लगभग जो है कम ही हो गया है, लेकिन जितने लोग अभी भी है, अभी भी फंसा हुआ है, परेशान उन लोगों को कर रहे हैं, क्योंकि प्ले स्टोर में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि एडवर्टाइज के थ्रू या फिर ऑफलाइन के थ्रू आप लोगों को लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी फंस चुके हैं इन लोगों के चक्कर में, ठीक है, फर्जी लोन एप्लीकेशन। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन में सबसे मेन चीज़ क्या करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, और मेन चीज़ जो है वो है आपका फोटो मॉर्फ करना। फोटो क्या करते हैं, आपका जो भी सेल्फी आप लोग यूज़ करते हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट में आप लोगों का फोटो होता है उसको मॉर्फ करता है और दूसरे फोटो के साथ चिपका के गंदा टाइप मतलब एक फोटो बना के आप लोगों के कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो लोग तो हैक कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, तो आप लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट जहाँ पे जो भी आप लोगों ने नाम सेव किया होगा तो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे भेजना चालू कर देते हैं। तो ये जो है और भी चीज़ है, क्या करते हैं ये लोग, बोलते हैं कि आपका जो भी फोटो है वो सोशल मीडिया में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को आज जो है गुड न्यूज़ देने वाला हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि आप लोगों का ये जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना, जो फोटो का, जो भी आप लोगों का फोटो मॉर्फ कर रहा है, जो कि आप लोगों को भेज रहा है या फिर आप लोगों को धमकी ये मिल रहा है कि आपके जो फोटो, आपका फोटो जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट में डाल देंगे या फिर जो भी है फेसबुक ट्विटर जो भी है वहाँ पे ऑनलाइन सोशल मीडिया में डाल देंगे, तो यहाँ पे आप लोग जो है पीछे वाले मॉनिटर में आप लोग देख पा रहे हो जो वेबसाइट खुला हुआ है जो कि stopncii.org, ये जो वेबसाइट है ये आया है, तो ये एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। अगर आप लोग इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करते हो, आप लोगों को दिख रहा है कि कोई भी फ़ोटो आपके नाम पे फ़ोटो आया है, आपका फ़ोटो चिपका के आपके घर पे भेजा है, तो आप लोगों को यहाँ पर जाके अपलोड करना है फ़ोटो, कुछ डिटेल्स आप लोगों को डालना है कि कहाँ पे फ़ोटो मिला था, किस तरीके का फ़ोटो था। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का फ़ोटो अगर मानो कि सोशल मीडिया में डाल भी देता है तो आपका फ़ोटो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पर चालू हुआ है stopncii, तो ये जो है आपका फोटो डिलीट कर देगा, ठीक है, कुछ ही घंटों में डिलीट कर देगा। तो आप लोगों को ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं और ये जो है जो भी फोटो डालेगा उसका भी जो ट्रैकिंग आईडी है, वो जो भी जहां से सर्वर से अपलोड हो रहा है उसका सर्वर भी जो है ट्रैक करने की कोशिश करेगा। दोस्तों आप लोगों के मन में जो डर था कि आप लोगों का जो फोटो है वो बोला जाता है कि सोशल मीडिया में आप लोग अपलोड कर देगा, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को मन में डर है कि फर्जी लोन एप्लीकेशन आप लोगों के साथ ये कर सकता है अभी के टाइम में, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है, आप लोगों का जो भी फोटो है वो टोटली जो है डिलीट कर देगा, जो भी वेबसाइट में अगर अपलोड होता है या फिर सोशल मीडिया में अपलोड होता है तो वहां से टोटली डिलीट हो जाएगा। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूं किस तरीके से आप लोगों को करना है, और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे देख पा रहे हो जो भी वेबसाइट है stopncii.org, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वेबसाइट मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया था, आपको उसमें क्लिक करना है तो आपको ये वेबसाइट खोलने को मिलेगा। तो अगर मानो कि कोई भी फोटो आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे मेन चीज़ ये वेबसाइट खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट योर केस जो है ये आप लोगों को ओपन करना है, उसके बाद जो है कुछ स्टेप्स जो है आप लोगों को देखना है, ठीक है, वो दिखाएगा और आप लोगों को जो है फिल करना है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका एज जो है कितना है, व्हाट्स योर एज इन द इमेज वीडियोस यू वांट टू सबमिट, तो आपका एज जो है वो क्या दिखाया गया है, तो आपको आपका एज जो भी है वो आप यहाँ पे दिखाएगा। हु इज़ इन द इमेज और वीडियो, जो भी वीडियो है जो भी इमेज है उसमें आपका मतलब आप हो या फिर कोई और है, तो यहाँ पे अगर आप हो तो आपका यहाँ पे डाल सकते हो खुद का, या फिर आपके साथ कोई और है तो आपको यहाँ पे अगर आप किसी को पहचानते हो जिसका फोटो यहाँ पे डाला गया है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे फर्जी लोन एप्लीकेशन का नहीं है, अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है इस तरीके के फोटो से तो आप लोग इस तरीके से जो है इसको डिलीट कर सकते हो अगर कोई भी सोशल मीडिया में अपलोड हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द इमेज वीडियो सो वी कैन श्योर दैट दिस इज द करेक्ट सर्विस फॉर यू, तो जो इमेज आपको भेजा गया है उसमें आप लोगों को किस तरीके का इमेज जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए, आई एम एंगेजिंग इन कोई भी के साथ जो है आप लोग एंगेज हो, यहाँ पे जो फोटो में दिखाया गया है, या फिर आई एम न्यूड एंड सेमी न्यूड, यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आई एम इन ए प्राइवेट प्लेस, इस तरीके का जो है वहाँ पे ऑप्शंस दिखाया जा रहा है, और भी जो है यहाँ पे आई एम इन ए पब्लिक प्लेस, आई एम फुल्ली क्लोथ्ड, तो किस तरीके का जो इमेज या फिर वीडियो है वो किस तरीके का है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट नहीं, उसके बाद जो है और भी यहाँ पे आ रहा है कि हैव एनी ऑफ योर इंटीमेट वीडियोज इमेज और वीडियोज ऑलरेडी शेयर्ड ऑनलाइन, तो पहले भी इस तरीके का फोटो क्या शेयर्ड हुआ था, तो अगर हुआ होगा तो यस करिएगा, अगर नहीं हुआ है तो नो करिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो आई डोंट नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करने के बाद जो भी फोटो आपके पास आया है जो कि आप लोगों को देखने को मिला है कि हाँ ये फोटो जो है ऑनलाइन में शेयर किया है, तो आप लोगों को वो फोटो चूज करना है, वो फोटो आप यहाँ पे चूज करके आप लोग
जो भी है नेक्स्ट में आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है यहाँ पे पिन डाल रहा है, ठीक है। पिन यहाँ पे जो भी है ये आपका पिन जो है पासवर्ड जो पिन होता है वो पिन है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी पिन यहाँ पे डाल सकते हो जो कि आप लोगों को याद रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पिन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे और ईमेल आईडी जो है ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो भी स्टेटस है वो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल कर दिए हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे जो भी है क्लिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है, उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो केस है वो जो है उन लोगों के पास चला जाएगा और वो लोग इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी इमेज है वो ट्रैक करेगा कहाँ पर था, कहाँ पर मिला था, या फिर जो भी है वो सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है तो वो आप लोगों का फोटो जो है डिलीट कर देता है, ठीक है। और आपका जो भी जहाँ से भी ये अपलोड हुआ है उसका लोकेशन भी ट्रैक करेगा, ठीक है। अब आप मानो कि आपके पास जो भी स्टेटस है आप लोग चेक कैसे कर सकते हो कि हाँ आपका किस तरीके का जो है कहाँ तक पहुँचा आपका केस, तो यहाँ पे आपको केस नंबर मिलेगा, ठीक है। केस नंबर जो भी आप लोग अगर सबमिट करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन पे या फिर यहाँ पर ही केस नंबर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको सेव करना होगा। केस नंबर पे आपको एंटर करना है और पिन जो आपने वहाँ पे डाला था वो पिन आपको यहाँ पे डाल के सर्च केस करना है। सर्च केस करते ही आपका जो भी केस है स्टेटस क्या है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट जो है बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों को सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सेफ नहीं है, आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे जो है जाके ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग डालिए केस और आप लोग जो है बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप लोगों के साथ कोई भी गलत यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला है। बहुत सारे लोगों ने इस तरीके का कमेंट्स अभी भी किया था कि फर्जी लोन एप्लीकेशन अभी भी परेशान कर रहे हैं, इस तरीके का फोटो वगैरह भेज रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि सोशल मीडिया में अपलोड कर देगा। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट आप लोगों को 100% आपका जो भी फोटो है वो डिलीट करके देगा, ठीक है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन मिला है, अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए जल्दी टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।